नमस्कार, कैसे हैं आप? आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी जिसने जनता के सामने कहा था कि सफेद पोशों को, जनसेवकों को बड़ा बड़ा बंगला क्यों चाहिए, उन्हें सरकारी सुविधाएं क्यों चाहिए, उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों चाहिए, उनके लाव लश्कर से आम जनता को परेशानी होती है। केजरी ने सरकार बनते ही 2013 में मुख्यमंत्री का जो घोषित सरकारी निवास है उसे खाली करने की बात की और कहा कि जी मुझे बहुत बड़ा लगता है, मैं छोटे घर में रहूंगा। उस केजरी का शीश महल कांड सामने आया। 50 करोड़ से ज्यादा खर्च करके केजरी ने रिनोवेशन किया, करोड़ों रुपए डाइनिंग टेबल और अपनी पत्नी के लिए फर्नीचर बनवा दिए सरकारी खर्च से। यह मामला जब स्टिंग एक खबर के रूप में सामने आई, अब तक केजरी की चुप्पी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि केजरी का बहुत दुलरुआ, जिसके बारे में चार्जशीट में नाम भी आया है, राघव चड्ढा, शराब माफिया गिरी वाले मामले में मीटिंग में बैठता था वो केजरी के उत्तराधिकारी के रूप में, यह मामला चार्जशीट में आया। वो राघव चड्ढा जो पंजाब में एक तरह से अघोषित रूप से मुख्यमंत्री है, प्रभारी है, और माना जा रहा है कि बस सरदार जी तो बस चेहरा है दिखाने के लिए, खड़ाव है वो, असली सीएम राघव चड्ढा है। उस चड्ढा को पंजाब में जब सरकार बनी तो चड्ढा को राज्यसभा की सदस्यता मिली, और उस चड्ढा को जब राज्यसभा की सदस्यता मिली, उसे जो घर दिया गया सरकारी घर, उसे छोटा लगने लगा, उसने बड़े की मांग की, वो भी मिल गया तो छोटा भी कब्जे रखा। इस खेल को समझिए कि ये खेल क्या है। अब अदालत कह रही है कि क्या हर्जा है इसमें। ऐसे ही हज यात्रियों को लेकर के अदालत का कि जजमेंट में क्या विरोधाभास है, ये कैसे कैसे फैसले अदालत के हैं। यदि यहां आम आदमी का मामला होता तो इसे सुभाष जी के साथ समझेंगे हम। सुभाष चंद्र जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार जी। नमस्कार मनीष जी। सुभाष जी, अदालत के कुछ अजीबोगरीब फैसले आए हैं, उसकी जो स्क्रीनशॉट्स अखबार में जो हमने देखे उसे हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में अदालत कैसे कैसे फैसले देता, फिर बारी बारी हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे। छुट्टी नहीं धर्म पालन का माध्यम है हज, ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। धर्म पालन का माध्यम है, ये छुट्टी नहीं है, धर्म पालन का माध्यम है। तो कल को तो कोई भी कह देगा कि भाई हमें तो ये धर्म पालन का माध्यम है, तो हमारे धर्म में ऐसा कहता है तो सरकार हमारे लिए खर्च दे, और ये इंडिया में ही हो सकता है। और दूसरी तरफ एक खबर मुझे और चौंकाने वाली लगी, ये चड्ढा है राघव चड्ढा, केजरी का बहुत दुलड़ुआ है, पंजाब का प्रभारी है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा के बारे में कहा था कि पंजाब में भगवंत मान एक तरह से डमी चेहरा है, चीफ मिनिस्टर असली केजरी का ये चड्ढा ही है। लेकिन चड्ढा राज्यसभा सदस्य है, दिल्ली में भी मौज, पंजाब में भी मौज। इन लोगों ने तो कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे जी, गाड़ियां नहीं लेंगे जी, सरकारी सुविधा नहीं लेंगे जी। इसने दो दो लुटियन दिल्ली में दो दो शानदार कोठी कब्जाया हुआ है, और कमाल की बात है कि अदालत इसे धक्के मार के निकाल नहीं रही है, इसके इस पाप के साथ एक तरह से अदालत ने मुहर लगा दिया है। क्या है पूरा मामला ये साहब? जब ये 2022 में लास्ट ईयर राघव चड्ढा राज्यसभा के लिए पंजाब से चुना गया था, तो इसको एक भंडारा रोड पे टाइप 6 बंगलो मिला था इसको। 6 जुलाई 2022 को इसको टाइप 6 बंगलो की अलॉटमेंट हुई थी इसको। इसने अलॉटमेंट ले ली, एक्सेप्ट कर ली, रहने भी लगा। उसके बाद इसने 29 अगस्त 2022 को राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको चिट्ठी लिखी कि जी मेरी जो एंटाइटलमेंट है टाइप 7 की है, तो मेरे को टाइप 7 बंगला दीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 9 सितंबर 2022 को इसको पहले मिले बंगले के जगह इसको बड़ा टाइप 7 बंगला दे दिया 9 सितंबर 2022 को, और रेनोवेशन उस बंगले का कराया गया, पहले का भी कराया गया होगा। रेनोवेशन कराने के बाद देखिए 9 नवंबर 2022 को इसके पेरेंट्स, राघव चड्ढा के पेरेंट्स उस नए बंगले टाइप 7 बंगले में रहने लगे।
अब जब तुम नया बंगला भी तुमने ऑक्यूपाई कर लिया तो तुम्हें पुराना बंगला तो खाली करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट ने 3 मार्च 2023 को इसको नोटिस दिया कि जो आप जो पहले का बंगला है उसको खाली करो, उसके एवज में आपको दूसरा बंगला मिल गया। अब मजे की बात देखिए, ये उस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज कर गया और कोर्ट में चैलेंज करके कहता है कि इस ऑर्डर से ये मेरे को मानसिक उत्पीड़न हुआ है और मुझे इसके लिए 5.5 लाख रुपये हर्जाना दिलाया जाए। अब देखिए मजे की बात के अपर जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने राज्यसभा सचिवालय को ये ऑर्डर दिया है, अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, कि अपने 3 मार्च 2023 के जो आपके ऑर्डर है इसको मकान खाली करने के लिए, बंगला खाली करने के लिए, उसके ऊपर अभी कोई एक्शन मत लो, उसका स्टे कर दिया जी उनको। और उसने कहा कि हम इसके बारे में 10 जुलाई को फैसला लेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब साफ साफ हो गया कि राघव चड्ढा भी 2 बंगले रखना चाहता है और कोर्ट भी उसको 2 बंगले रखने के लिए अनुमति दे रहा है। ऐसा कैसे संभव है? मैं एक एज ए लेमैन मैं इस मामले को देखता हूँ, मैं कोई कानून के दृष्टि से नहीं देख रहा इसको, मैं एज ए लेमैन देख रहा हूँ। एक एमपी को 1 बंगला रखने की अनुमति है, आप 2 बंगले रखने, भाई जैसे ही आपने खाली किया, आपने नया बंगला लिया, आप चलो विद इन रीजनेबल टाइम आप पहले बंगले खाली कर लो, चाहे महीना ले लो, 2 महीना ले लो, जो भी सरकार का जो टाइम लिमिट हो उसके अंदर। लेकिन आप सोचें कि मैं उसको भी लेके रखूं, इसको भी लेके रखूं, और अगर पहले बंगले को खाली करने के लिए कहो तो मेरे को मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। भाई सारा मानसिक उत्पीड़न तुम्हें हो रहा है। ये मानसिक उत्पीड़न कैसे हो गया? इसका मानसिक उत्पीड़न कैसे, क्या तर्क दिया है, क्या तर्क दिया इसने? मानसिक उत्पीड़न कैसे हो गया इनको? इसने कहा मेरे पेरेंट्स को परेशानी हुई है, ऐसा कुछ कहा इसने शायद। पेरेंट्स के बारे में तो नहीं लिखा जी अखबार के अंदर, मैंने देखा है। अगर जब नया बंगले में पेरेंट्स रह रहे हैं तो उनको परेशानी किस बात की है? नहीं, कमाल की बात यह कि राघव चड्ढा एक धनाढ्य व्यक्ति है, खुद वो चार्टर अकाउंटेंट है, उसके करोड़ों की आमदनी है रही है, और उसके फादर एक संभ्रांत परिवार से है, दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके में उसका अपना घर है। ये व्यूअर्स जाने, इसलिए जानना जरूरी है कि सिर्फ सरकारी 2 बंगला नहीं है, दक्षिणी दिल्ली जो दिल्ली का पॉश इलाका है वहां इसकी अपनी कोठी है, इसका अपना साम्राज्य है, इसके पिता मतलब ये खानदानी रईस है, और मतलब खानदानी रईस इस सेंस में आया हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ है, लेकिन इन लोगों ने एक साम्राज्य यहाँ इकट्ठा किया हुआ है दिल्ली लुटियन दिल्ली में। लेकिन ये आम आदमी है जी, गरीब आदमी है। लेकिन ये आम आदमी है। सोचिए कि इतने संभ्रांत व्यक्ति जिसके दिल्ली के पॉश इलाकों में शानदार हवेलियां कोठियां हैं, जहां के एक एक चीज की एक एक ईंट की कीमत लाखों है, वहां पर इसका अपना घर है, और फिर भी लुटियन दिल्ली में इसने 2-2 कोठी। तो नई नई शादी हुई है, एक परिणीति चोपड़ा के लिए भी होगा, एक राघव चड्ढा के लिए भी होगा, तो अलग अलग सोचा होगा। और ये सोचिए इनकी सुविधाएं देखिए कि परिणीति चोपड़ा के बारे में कहा जाता है कि राघव चड्ढा से कई गुना ज्यादा की प्रॉपर्टी उसके पास है। इन लोगों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। अदालत का ये फैसला निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। क्या इस देश की अदालत को आम आदमी की मानसिक पीड़ा, मानसिक उत्पीड़न भी कभी दिखाई देता है क्या? सालों तक जब केस चलता है और इंसाफ नहीं मिलता है, वो सब भी कुछ दिखता है क्या? महत्वपूर्ण ये है कि जिला अदालत का ये फैसला है। मैं लगता है कि उससे पहले यदि सरकार ऊपर जाए तो इस पे स्टे हाईकोर्ट तुरंत लगा देगा, लेकिन ये फैसला चौंकाने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कैसे कैसे फैसले हैं अदालत के। सुभाष जी, एक फैसला तो बड़ा अजीबोगरीब हमें दिखा है हज को लेकर के जी, दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला, छुट्टी नहीं धर्म पालन का माध्यम है हज, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है, क्या है ये खेल? ये खेल ये है साहब के 13 से ज्यादा हज समूह आयोजक थे जी, 13 से ज्यादा HGOs बोलते हैं उनको, उन लोगों के रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए, और उनके जो हज भेजने का कोटा होता था, हज यात्रियों को भेजने का, किसी के पास 50 का कोटा है, किसी के पास 100 का कोटा है, वो कोटा गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि उन ग्रुप्स ने, उन जो HGOs हैं, इन लोगों ने गंभीर
उल्लंघन किया कानून का, तो गवर्नमेंट ऐसे तो किसी को भेज नहीं सकती किसी के थ्रू। हज यात्रियों को भी तो सुरक्षा का मामला है ना, तो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। अब हाई कोर्ट दिल्ली, उसके जस्टिस चंद्राधर सिंह, उन्होंने उस जो गवर्नमेंट ने जो कैंसिल किए लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर स्टे लगा दिया। और स्टे लगा के हाँ, और स्टे लगा के कहा कि गवर्नमेंट सुनिश्चित करे कि इन लोगों की वजह से जो लोगों को जाना है, जो इनकी अनियमितताएँ हैं उनकी वजह से जो लोगों को कोई किसी किस्म की, गवर्नमेंट सुनिश्चित करे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। मतलब भेजेंगे वही, लेकिन गवर्नमेंट इंश्योर करे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। ये कोई बात हुई? जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके थ्रू लोगों को भेजने के लिए कह रहे हो और जिम्मेदारी दे रहे हो किसको? गवर्नमेंट को। क्यों भाई, आप जिम्मेदार बनो ना। गवर्नमेंट ने बड़ा साफ कहा है सर, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने अदालत में कहा है कि अगर इनकी इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए हम हज यात्रियों को भेजते हैं, तो सऊदी अरब और भारत सरकार के जो आपसी संबंध है, आपसी रिश्ते हैं, उनके अंदर जो और जो हमने समझौते किए हुए हज के मामले में, उसके ऊपर गलत असर पड़ेगा। लेकिन कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप सोचिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन ब्लैकलिस्टेड हो, एक तरह से ब्लैकलिस्टेड हो गए ना ये, आप उन्हीं के थ्रू हज यात्रियों को भेज के आप ये कह रहे हो कि जी गवर्नमेंट सुनिश्चित करे कि उनको दिक्कत ना हो। और साथ में क्या कहा कि ये तो हज यात्रा करना तो मौलिक अधिकार है जिसकी रक्षा को अदालत ने करनी है। यार मौलिक, कल को आप ये आदेश दे दोगे सारे जो जिनको मौलिक अधिकार है उनको गवर्नमेंट ही भेज दे, तो कैसे बात बनेगी? जब गवर्नमेंट को आप इंश्योर करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो। मतलब गवर्नमेंट यहाँ से सारी इनकी एक्टिविटीज़ पे वॉच रखेगी, उनके घर से निकलने से लेके हज तक पहुँचने से और वहाँ से वापस आने तक सब गवर्नमेंट वॉच रखेगी, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? कैसे संभव है? तो मैं कई दफ़ा सर, ये जो कोर्ट्स के फैसले आते हैं ना, मेरा सर चकराता है मेरा, मैं आपको सही बताऊंगा, मेरा सर चकराता है यार, क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, आपने कह दिया उनके थ्रू भेज दो उनको, तो आप जिम्मेदारी आप ले लो, सरकार को जिम्मेदार मत बताओ। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, कोटा कैंसिल कर दिया। आप अगर फिर भी उनके थ्रू भेजना चाहते हो, आप जिम्मेदारी दो। यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ समथिंग हैपेंस रॉन्ग, नॉट द गवर्नमेंट। बिल्कुल, मेरा बस इतना सा निवेदन है। और पता है क्या है सर, आप दो दिन का फैसला देखो, दो दिन पहले का फैसला है केरल हाई कोर्ट ने, क्या मतलब, मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। केरल हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि नग्नता हमेशा अश्लीलता का पर्याय नहीं होता। आप कर लो बात, मतलब नग्नता को भी आप प्रमोट कर रहे हो, ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हमेशा उसका अश्लीलता का पर्याय नहीं होता। उस केस में सिंपल सा क्या केस था सर, कि एक लेडी के अंगों पे उसके बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। पहली तो यही शर्म की बात है। उस चीज को लेके कोर्ट में मामला चला, वहां पे केरल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने कोई गलत नहीं किया जी। तो कोर्ट्स के जो फैसले आते हैं ना सही सर, कई दफा ये दिमाग को घुमा देते हैं। बिल्कुल सवाल जी, अदालत की रिपोर्टिंग के दौरान हमने अदालत के कई फैसले में देखा कि कोर्ट ये कहता है कि अदालत का फैसला किसी व्यक्ति को सजा देने का उद्देश्य सिर्फ नहीं है, उसको इंसाफ देने का मतलब है, समाज को एक मैसेज। अब जिस तरह के फैसले हैं, ये क्या समाज को मैसेज है कि चड्डा जैसा व्यक्ति दो दो कोटियों पे कब्जा किए हुए है, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं? हज यात्रियों के लिए अदालत का ऐसा लग रहा है कि वो तुष्टिकरण के रवैये पे है, जिन टूर ऑपरेटर, दोषी टूर ऑपरेटरों पर कार्रवाई हो गई, उसके लाइसेंस रद्द हो गए, उसके बाद अदालत का ये फैसला दिखाता है कि क्या भविष्य में
ऐसा तो ना कर दिया जाए कि जैसे छुट्टियां होती हैं, जैसे कोर्ट कह रहा है, तो हज यात्रा पे यदि कोई जा रहा है उसके नाम पर उसकी छुट्टी जो है, सीएल और ईएल जो आप सरकारी अधिकारी रहे हुए हैं, वो जो एक सीमा होती है, कहा कि नहीं नहीं ये सीएल ईएल में कोई नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही हज यात्रा इनका अधिकार है, इसीलिए इस छुट्टी के कोई मायने नहीं, जितनी मर्जी छुट्टी ले लो, जितनी मर्जी छुट्टी ले लो, क्योंकि ये तो उनका धार्मिक अधिकार है। अदालत के रवैये, ये फैसले निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं कि क्या फिर तो कल को कोई कहे कि हाँ भाई हम चार धाम के यात्रा पे निकले हुए हैं, वो भी हमारा मौलिक अधिकार है, और चार धाम की यात्रा पे निकलेगा तो आदमी कहेगा कि हमको साल भर की छुट्टी इसके लिए मिलना चाहिए, उसको वहां पकड़ लेंगे, तुरंत पकड़ लेगा कोर्ट, वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए इस तरह के फैसलों की समीक्षा निश्चित रूप से होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इस पर ऊपर की अदालत इस पूरे मामले पर संज्ञान जरूर लेगा। नग्नता क्या है ये अब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट यदि तय करने लगे, अदालतें तय करने लगे, सामाजिक मर्यादाएं जो हैं वो अदालतें तय करने लगे, हम लोगों ने पिछले दिनों इसकी भी चर्चा की है, तो निश्चित रूप से समाज के लिए एक कैसा संदेश है ये समझना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, बहुत आभार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।